Today we will discuss part C of the same chapter, that is chapter 5, AIR supports life. In this part we will discuss about air pollution. Pollution मतलब गंदगी. Air pollution मतलब आपका जो environment है वो contaminate क्यों हो रहा है, किन किन चीजों के कारण हो रहा है, वो चीज पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है ना. Contamination of atmospheric air by harmful chemicals like carbon monoxide, nitrous oxide, CO2, smoke and dust is called air pollution. Pollution आपका बाहर का environment contaminate होना अलग अलग gases के through. अब अलग अलग gases के through कैसे pollute out हो रहा है, आप लोग जो vehicles use कर रहे हो, factories run out हो रही है, उनसे क्या निकल रहा है, smoke निकल रहा है, dust निकल रहा है, तो ये सारा क्या है, contamination का कारण है. आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रीज कट कर रहे हो, ये सारे कंटामिनेशन के अलग अलग कारण है, ठीक है ना. अब जब एयर पॉल्यूट होगा तो उससे क्या होगा, बहुत सारी डिजीजेस कॉज होंगी. जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन लिविंग बींग्स हैं, जो उनको बहुत सारी डिजीजेस होने लगेंगी, ठीक है ना. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अस्थमा, आजकल अस्थमा नॉर्मल हो गया है रूटीन में. लोगों को बाहर जाते हैं तो सफर आउट करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल प्रॉपर नहीं कर पाते, तो उसके कारण बहुत सारी उनको डिजीजेस हो रही है, ठीक है ना. लीड्स टू एसिड रेन. अब ज्यादा से ज्यादा स्मोक डस्ट इकट्ठी हो रही है तो उसके कारण क्या हो रहा है, एसिड रेन हो रहा है. अब कुछ कॉजेस मतलब एयर पॉल्यूशन किन कारणों के कारण हो रहा है, ठीक है ना. अब अभी मैंने आपको बताया था फैक्ट्रीज रन आउट हो रही है तो उनसे बहुत सारे क्या पॉलिटेंट्स निकल रहे हैं. पॉलिटेंट्स का मतलब अलग अलग गैसेस जो टॉक्सिक है आपके एनवायरमेंट के लिए, वो निकल रही है, उनके कारण एयर पॉल्यूशन हो रहा है. पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स एग्रीकल्चर के दौरान आप लोग जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर रहे हो वो उनसे क्या हो रहा है, सल्फर फर्टिलिटी भी कम हो रही है और बाहर का एनवायरमेंट जो है वो भी पॉल्यूट हो रहा है. फॉरेस्ट फायर्स आप लोग ने देखा होगा कि काफी जैसे ही पॉपुलेशन की ग्रोथ होती जा रही है तो उसके कारण क्या हो रहा है, फॉरेस्ट एरिया को कट आउट कर दिया जा रहा है, वहां फॉरेस्ट फायर्स करते हैं. अब जब खेती हो जाती है उसके बाद काफी लोग क्या करते हैं, जो नीचे स्टॉक्स बचे रहते हैं उनमें खेतों में आग लगा देते हैं. तो उसके कारण क्या हो रहा है, स्मोक प्रोड्यूस हो रही है. वो स्मोक क्या हो रही है, एक लेयर बनाती जा रही है जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है. डस्ट स्टॉर्म्स, वोल्केनिक इरप्शंस जो भी हो रहे हैं, नेचुरल कैलमिटीज, वो सारे का एयर पॉल्यूशन के कॉजेज हैं. अब कुछ मेशर्स का मतलब होता है कि हम एयर पॉल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं. एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है आपको कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट करो, ठीक है ना. उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज आप करेंगे तो व्हीकल्स का यूज कम हो जाएगा. जो भी वेस्ट निकल रहा है तो उसको रिसाइकिल अपन एक यूजफुल फॉर्म में करते जाए, जिससे क्या हो, वेस्ट इकट्ठा नहीं होगा तो कंटामिनेशन नहीं देगा तो बाहर का एनवायरमेंट आपका पॉल्यूट नहीं होगा. रेड्यूस कंजम्पशन ऑफ फ्यूल. फ्यूल का कंजम्पशन कैसे करोगे, आप लोग अलग अलग चीजें यूज करें, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बताया मैंने, तो व्हीकल्स यूज नहीं होंगे तो पेट्रोल डीजल का यूज भी कम होगा. जब पेट्रोल डीजल का यूज ही कम होगा तो उनका कंजम्पशन भी हो जाएगा. थैंक यू.